प्यार और रिश्ते में धोखा न ही लड़कों को बर्दाश्त होता है और न ही लड़कियों को। इसे लेकर कई सर्वे हुए हैं कि रिश्ते में पुरुष ज्यादा धोखा देते हैं या महिलाएं, लेकिन हर सर्वे का नतीजा अलग अलग निकल कर सामने आता है। यहां तक कि एक सर्वे तो इस बारे में भी हुआ है कि महिलाएं पुरुषों को शादी के बाद किस उम्र में धोखा देती हैं। सुनकर जरूर अजीब लगेगा, लेकिन सर्वे में इस बात की जानकारी दी गई है। दोस्तों, अगर अपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो लेके आए आपके नोटिफिकेशन में। एक डेटिंग साइट ने यह सर्वे किया है। इस सर्वे में यह पता लगाया गया है कि महिलाएं शादी के बाद पुरुषों को किस उम्र में सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। इस स्टडी में सामने निकल कर आए नतीजे कहते हैं कि महिलाएं शादी के 7 साल बाद पति को धोखा दे सकती है। इस सर्वे में कहा गया है कि अगर कोई महिला 29 साल की उम्र में शादी करती है तो उसके 36 से 37 साल की उम्र के बीच अपने पति को धोखा देने की संभावना रहती है। यह सर्वे डेटिंग साइट विक्टोरिया मिलान ने किया है। इस सर्वे में इसका भी जवाब दिया गया है कि क्यों शादी के 7 साल बाद ही महिलाएं या पुरुष एक दूसरे को धोखा देते हैं। इस बारे में डेटिंग साइट के सर्वे का कहना है कि शादी के 7 वर्ष बाद पति पत्नी के बीच वो जुनून कम हो जाता है और एक दूसरे को धोखा देने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि धोखे की प्रवृत्ति को किसी आंकड़े के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही पुरुषों को ज्यादा धोखा देती हैं, पुरुष भी रिश्ते में महिलाओं को धोखा देते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।